नमस्ते डे विवस आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं बैलिस्टिक गैल्विनोमीटर के रिगार्डिंग देखिए मेरे प्यारे विवस पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या क्या है बैलिस्टिक गैल्विनोमीटर को बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस किया है है ना बैलिस्टिक गेलविनोमीटर क्या होता है उसका कंस्ट्रक्शन थ्यूरी ओके उसका लॉगरिथमिक डैम्पिंग का करेक्शन ओके okay. या बैलिस्टिक एल्विनोमीटर कब डेड बिट होगा है ना कोई भी मूविंग क्वाल को कब हम लोग बैलिस्टिक में कन्वर्ट कर सकते हैं इन सब पर हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में चर्चा किया है सो so, है ना अगर आप कंप्लीट नॉलेज लेना चाह रहे हैं बैलिस्टिक एल्विनोमीटर के लिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ से आप देख पाओगे ठीक है यहाँ पर ये जो सेवन क्वेश्चन हम लोग लिए हैं टोटल सात क्वेश्चन है ओके अगर आप ये सेवन क्वेश्चन कर लेते हैं ओके तो आपके एग्जाम में बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी से आएगा इसके बाहर कोई क्वेश्चन है ना नहीं आ सकता ओके okay. सो so, आप इन सेवन क्वेश्चंस को अगर कर लेते हो सो so, आप तो एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसे कर पाओगे तो यहाँ जो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है वॉट इज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ओके एंड हाउ इज इट कन्वर्टेड इन टू डेड बिट गैलवेनोमीटर देखिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या है एक प्रकार का स्पेशली डिजाइंड है ना गैल्वेनोमीटर है है ना जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज मेजर करते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है ना जब किसी सर्किट में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है ना कोई चार्ज फ्लो करता है तो उस चार्ज का टोटल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है ना का तो यूज़ करते हैं मतलब एक स्पेशली डिज़ाइंड है ना एक स्पेशल तरीके से गैल्वेनोमीटर को डिज़ाइन करते हैं डेट इज़ कॉल्ड एज बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर ओके ना दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हाउ इज़ इट कन्वर्ट इन टू डेड बिट गैलवीनोमीटर देखो बैलिस्टिक गैलवीनोमीटर में क्या होता है कि जो पीरियोडिक टाइम हो पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसलेसन जो ये बहुत लार्ज होता है और जो डैम्पिंग हम लोग ले करके चलते हैं वो है ना एटलीस्ट मान लेते हैं हम लोग कि भैया डैम्पिंग यहाँ पर नेग्लिजिबल है लेकिन डेड बीट गैलवीनोमीटर की अगर आप बात करोगे मेरे प्यारे व्यूवर्स तो डेड बीट गैलविनोमीटर में क्या होता है कि पहले तो डैम्पिंग बहुत हैवी होता है ताकि उसका ऑसलेसन जो है वो चोक कर जाए है ना ब्लॉक हो जाए और उसका जो पीरियड ऑफ ऑसलेशन होता है ना वो बहुत कम होता है है ना सो so, ये दो कंडीशंस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को डेडबिट गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं आइए आगे आइए आगे, आगे है आपका व्हाट इज मिंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग इन बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर देखो अगर आप है ना हम लोग को पता है कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए थे कि एक नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पर बैलस्टिक गैल्वेनोमीटर का जो क्वाइल था उसको वुंड किए थे है ना जिससे कि वहाँ पर क्या हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कम हो गया है ना सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है बैलस्टिक गैल्वेनोमीटर में ये एक्चुअली एक प्रकार का क्या है डैम्पिंग है है ना जिससे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर है ठीक है इसका ऑसलेशन चुक होता है है ना इसके ऑसलेशंस पर असर पड़ता है अगर हम लोग कोई एक कंडक्टिंग फ्रेम पर बैल ये बैलस्टिक गैल्वेनोमीटर के कॉयल को वुंड करते तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग जो है है ना बहुत ज़्यादा होता है ना और उसका जो ऑसलेशनस है वो चुक हो जाता ओके okay. अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस द कंडीशन अंडर विच अ सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर है ना कॉयल गैल्वेनोमीटर इज बैलिस्टिक और डेड बीट देखो यहाँ पर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर की बात की मान लीजिए कि एक मूविंग क्वल गैल्वेनोमीटर है तो कौन कौन सा कंडीशन है है ना जिसके अंडर हमारा मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर बैलिस्टिक कहलाएगा और डेड बीट कहलाएगा इस पर हम लोगों ने डिटेल में चर्चा किया है अगर मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर को बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बनाना है तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले जो पीरियड ऑफ ऑसोलेशन है उसको लार्ज करना होगा ओके और साथ ही साथ जो वहाँ पर डैम्पिंग uh, है उसे भी कम करना होगा ओके okay. और अगर आप डेड बिट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको इसका जो डैम्पिंग है उसको बहुत हैवी करना होगा ओके okay. और साथ ही साथ पीरियड ऑफ ऑसलेशन जो है उसको स्मॉल करना होगा है ना इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है आप देखना चाहते हैं तो देखिए ना प्लेलिस्ट खोलिए आपको हर एक क्वेश्चन का यहाँ जितना क्वेश्चन है सबका आंसर मिल जाएगा ओके okay. ना अगला है कि डिस्टिंग बिटवीन चार्ज सेंसिटिविटी एंड करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर देखो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में चार्ज सेंसिटिविटी क्या होता है चार्ज पर यूनिट डिफ्लेक्शन हर एक है ना हर एक यूनिट चार्ज पर जो डिफ्लेक्शन होता है उसको कहते हैं चार्ज सेंसिटिविटी और हर एक यूनिट करंट पर जो डिफ्लेक्शन होता है उसको करंट सेंसिटिविटी कहते हैं ओके है, okay. है ना और एक रिलेशन भी होता है चार्ज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के बीच का वो कुछ इस प्रकार का होता है कि जो भैया आपका चार्ज सेंसिटिविटी है ये इक्वल होता है आपका टू पाई टी बाई है ना इनटू करंट ओके करंट सेंसिटिविटी से इक्वल होता है ये रिलेशन होता है ओके okay, ये रिलेशन आप जब दोनों का डेफिनेशन लिखोगे है ना फार्मूलाज लिखोगे तो अपने आप ऑपटेन हो जाएगा आप ऑब्जर्व कर लोगे एक बार में अगला क्वेश्चन है ऑप्टेन ए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड और माफ कीजिएगा करंट सेंसिटिविटी एंड चार्ज सेंसिटिविटी आराम से यही रिलेशन ऑप्टेन करना है ओके okay. नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग लिए हैं वो है डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर एंड एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी मेड मोर सेंसिटिव देखो कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं उसका है ना बेसिक सा कंस्ट्रक्शन है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का कैसे करना है भैया हम लोग एक कॉपर वायर को लेंगे उसको क्या करेंगे नॉन कंडक्टिंग फ्रेम पर वुंड करेंगे या फिर एक बांस का कोई फ्रेम ले लेंगे उस पर हम लोग उसको वुंड करेंगे है ना ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कम हो वहाँ पर ओके फिर क्वाइल को क्या करेंगे एक फास्फोरस ब्रांच की मदद से क्या करते हैं सस्पेंड करते हैं वहाँ पर एक मिरर भी लगा हुआ होता है ओके कुछ इस प्रकार से जो है कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करना है फिर उसके थ्योरी को डिस्कस करना है जहाँ पर हम लोगों को चार्ज का वैल्यू मिलता है ओके है ना मतलब है कि आप ऐसा कहो कि जो चार्ज फ्लो करता है ना आपका सर्किट में ठीक है वो चार्ज आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के टर्म्स में मिलता है थ्योरी ऑफ बैलेस्टिक गल्विनोमीटर मैन एक्सप्लेन हाउ इट कैन बी मेड मोर सेंसिटिव और सेंसिटिव बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा इसका जो वंडिंग है ना ओके इससे हमें क्या करना होगा कोई कंडक्टिंग फ्रेम पर वंड करना होगा अगला जो क्वेश्चन है और वो ये लास्ट क्वेश्चन है वो है वॉट इज डैम्पिंग करेक्शन इन केस ऑफ मूविंग क्वाल बैलेस्टिक गल्वेनोमीटर एंड द एक्सप्रेशन फॉर टू थ्रो फॉर फर्स्ट थ्रो है ना ऑब्जर्व देखो डैम्पिंग करेक्शन इन केस ऑफ मूविंग क्वाइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेसिकली हम लोग जब भी थ्योरी पार्ट को करते हैं ना तो ये ये एज्यूम करके करते हैं कि भाई साहब यहाँ पर जो डैम्पिंग है वो एब्सेंट है बट एक्चुअल में डैम्पिंग प्रेजेंट होता है ओके okay. है ना तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर करेक्शन करना होता है इसी को कहते हैं डैम्पिंग करेक्शन ओके okay. ओके okay. और जब आप डैम्पिंग करेक्शन करोगे तो इसी डैम्पिंग करेक्शन में आपको जो है एक्सप्रेशन मिलता है थीटा नॉट का जो ट्रू है ना जो ट्रू थ्रो होता है है ना ये आपको मिलता है है ना थीटा वन के टर्म्स में जो होता है वन प्लस थीटा वन वन प्लस लेमडा बाई टू के टर्म्स में होता है ओके और फिर इस थीटा का वैल्यू को है ना क्यू वाले में पुट करेंगे तो फर्स्ट थ्रो है ना और चार्ज के बीच का रिलेशन मिलता है ओके सो ये जो सेवन क्वेश्चन है अगर आप कर लोगे तो बैलिस्टिक एल्वेनोमीटर में ओके जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप आसानी से कर सकते हो ये जो सातों क्वेश्चन है ठीक है इसका ये क्वेश्चन और इसका आंसर्स जो है आपको पी फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्द मिल जाएगा ठीक है आप वहाँ पर जा करके चेक करते रहोगे है ना तीन चार दिन में अपलोड हो जाएगा ठीक है सो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा और इसके पहले का जो भी वीडियोस है उसको ज़रूर देखिए 100 परसेंट मेरा गारंटी है आपके लिए जो वीडियोस है वो हेल्पफुल होगा